हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टैक्स। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई वीडियो हमारा देखें तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सो दैट जो बाकी लोग हैं उनको भी हेल्प मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट जो भी हम नया वीडियो किसी भी प्रोडक्ट का आपके साथ शेयर करें, सो दैट यू कैन क्विकली गेट द अपडेट ऑफ द सेम एंड यू मे गो थ्रू दैट वीडियो। सो लेट्स मूव अहेड। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग टैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम दर्पण और आज जो है हम आपके साथ फिर से दोबारा जुड़े हैं एक बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए और उसके फंक्शन समझने के लिए। सो टुडे वी हैव गॉट अवर हैंड्स ऑन रियल टाइम T52 टाइम इन अटेंडेंस मशीन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बताऊं, रियल टाइम इज अ गुड ब्रांड एंड क्वाइट पॉपुलर अमंग द यूजर्स एंड पर्टिकुलरली दिस मॉडल इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर अमंग द यूजर्स। और एडवांटेज सबसे बड़ी इस मॉडल के साथ ये है दैट इट इज ऑप्शनली कम्स विद द पावर बैकअप, मीन्स यू कैन बाय एन एडिशनल बैटरी व्हेन यू आर बाइंग दिस टाइम इन अटेंडेंस मशीन, दैट इज ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल प्राइस। सो दिस पर्टिकुलर अटेंडेंस टर्मिनल डजंट रिक्वायर एनी एडिशनल और outsourced battery backup, so the battery can be easily attached with it itself. तो आइए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या components हमें इसके साथ दिए गए हैं, then we will move forward towards the installation of this device. So let's see, ये T52 terminal है real time का और हम इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है। ओके, सो एज यूजुअल बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें दिखता है इसका मैनुअल और कुछ वारंटी कार्ड्स हैं। ऑल्दो यू कैन क्लेम द वारंटी विद द इनवॉइस एज वेल, सो डजंट रियली नीड दिस वारंटी कार्ड्स एज पर द कंपनी रूल्स, बट स्टिल इफ यू कैन गेट देम स्टैम्प्ड विद योर डीलर देन इट्स क्वाइट गुड। ओके, नाउ द हार्डवेयर यूजर मैनुअल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया मैनुअल लग रहा है बिकॉज इट्स क्वाइट अ बुक और फंक्शंस जो हैं बहुत अच्छे से इसमें समझाए गए हैं क्योंकि मैंने पहले भी इस मैनुअल को एक बार देखा हुआ है। सो इट विल हेल्प यू क्वाइट इजीली टू इंस्टॉल दिस डिवाइस। ओके, मूव अहेड। सो देन वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट विद द अडैप्टर एंड बाकी की वायर्स को कैसे हमें कहाँ यूज करना है। इसके साथ एक्सेस कंट्रोल हम लोग अटैच कर सकते हैं, लॉक इसके साथ अटैच किया जा सकता है, सो काफी अच्छे फंक्शंस दिए गए हैं। देन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है देन यूज करना है उसके लिए मैनुअल भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हाउ टू टेक बैकअप, हाउ टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट्स, हाउ टू रजिस्टर योर एम्प्लॉइज, एवरीथिंग इज देयर, सो इट्स अ क्वाइट गुड थिंग। और अगर हम समझना चाहें तो इन मैनुअल्स की हेल्प से हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर के लिए सीडी दी गई है विच ऑल्सो हैज द कस्टमर केयर नंबर मैंशनड ऑन इट, so that's a good thing to get quickly connected to the customer care. And here comes the device ki build achhi lag rahi hai dekhne mein, we check karte hain. Okay, so here is the back panel jo machine ko attach karne ke liye use hoga aapka, wall mount karne ke liye. Okay, and this is the connector एंड मशीन ओवरऑल अगर देखा जाए ग्लॉसी लुक में है, मेटालिक फिनिश है राइट हैंड साइड पे जहां पे बायोमेट्रिक सेंसर है, सो दैट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन टू द मशीन, लुक्स ओवरऑल अच्छी है। इंटरफेस की अगर बात करें तो हमारे को यहाँ पे एक अडैप्टर के लिए पोर्ट दिया गया है पावर कनेक्ट करने के लिए, देन हमारे पास USB पोर्ट है और उसके अलावा हमारे पास LAN पोर्ट भी है, सो दैट्स अ क्वाइट गुड थिंग। पावर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच एडिशनली दिया गया है, सो यू डोंट हैव टू टर्न ऑफ योर अडैप्टर एज वेल, आप यहाँ पे जो है इसे पावर अपनी ऑन ऑफ कर सकते हैं इजीली। ओके,
एडिशनली हमारे पास एक डीसी अडैप्टर इन्होंने दिया है, देन यूएसबी केबल है पीसी से कनेक्टिविटी के लिए, वॉल माउंटिंग स्क्रूज हैं और केबल है, कनेक्टर्स, दैट्स ऑल इन द बॉक्स। नाउ अब हम मशीन को कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने मशीन को कनेक्ट कर दिया है। नाउ विल टर्न ऑन द पावर। मशीन ऑन हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और डिस्प्ले काफी अच्छा है एलसीडी की अगर हम बात करें तो मशीन की। एंड मेन्यू में चेक करते हैं क्या है। मेन्यू के अंदर एज यूजुअल जो टाइम अटेंडेंस मशीन में होता है, रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हम ओके करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है यूजर का, यूजर को हम लोग ओके करते हैं। देन न्यू रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे शो करता है, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन को करा। फिंगर और कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग फिंगर रजिस्टर करके देखते हैं। यहाँ पे आईडी यहाँ पे मांग रहा है, आईडी में 0001 बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम फिंगर अपनी प्लेस करते हैं। देन इट सेज सेकंड टाइम वी प्लेस आवर फिंगर सेकंड टाइम, एंड इट सेज कंटिन्यू वी विल कंफर्म इट। ओके, देन अगेन ओके। सो ये दूसरी रजिस्ट्रेशन के लिए अब शायद बात कर रहा है, तो इसने कहा है फिंगर डुप्लीकेटेड, तो हम दूसरी फिंगर यहां पे अटैच करके देखते हैं। इट सेज कंटिन्यू, हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। अब एक एम्प्लॉय की दो फिंगर्स यहां पे रजिस्टर हो गई हैं। इसी तरीके से हम एक और यूजर रजिस्टर करके देखते हैं। इसमें अगेन मैं मेन्यू में जाऊंगा, देन रजिस्टर में जाऊंगा और यूजर में जाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग फिंगर अपनी एनरोल करेंगे। सो आई हैव चूजन फिंगर, आईडी बाय डिफॉल्ट 2 आ रही है, तो ये यहाँ पे कह रहा है फिंगर रखने के लिए आई विल प्लेस माई फिंगर, एंड सेकेंड टाइम आई विल प्लेस माई फिंगर। इट सेज कंटिन्यू ओके। अब दूसरी फिंगर, अब कुछ यूजर्स के मन में एक सवाल उठता है कि एक एम्प्लॉई या एक आईडी के लिए दो फिंगर्स क्यों रजिस्टर कराई जाती हैं। सो दैट फ्रेंड्स, अगर किसी कारण से एक्सीडेंटली उस एम्प्लॉई के साथ कोई हादसा हो जाता है और वो एक फिंगर उसकी रीडेबल नहीं है, किसी कारण से कुछ टेम्पररी चोट लगी है कुछ है, तो वो सेकेंड फिंगर से भी अपनी टाइम अटेंडेंस जो है वो वहां पे एनरोल कर सकता है। तो ये हमारा दो यूजर्स यहाँ पे एनरोल हो गए हैं। नाउ वी विल चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो मैं अपनी यहाँ पे एक फिंगर लगाता हूँ और इसने वेरीफाई कर लिया है कि ये एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ पे लॉग इन हो गया है। नाउ आई विल चेक विद द सेकेंड फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड, thank you, it has confirmed that the second employee has also been logged in. So ये तो हमारा finger registration का process था। Now अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी settings में क्या है। Second option जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वो है delete का। So अगर हमारे को कोई data या अपनी कोई entry या registration delete करनी हो, so we can go through it। उसके बाद set communication, lock control, एडवांस्ड, एडवांस्ड के अंदर एक बार चेक करते हैं, डिवाइस लॉक्स, सेट टाइम एंड बेल। तो हम अपना बेल की वॉल्यूम, बेल टाइप यहाँ बेल से सेट कर सकते हैं। देन टाइम के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। लॉक्स में हमारे को जो करंटली लॉक्ड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देगा, एंड इट्स ऑल अबाउट द डिवाइस, मशीन आईडी, एडमिन क्वांटिटी, कितने एडमिन्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, और वॉल्यूम यहाँ से हम घटाया बढ़ा सकते हैं। देन स्क्रीन सेवर हम चेंज करना चाहें, जो बैकग्राउंड है हमारा वो यहाँ से चेंज हो सकता है।
और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूज़र इंटरफेस जो है, अगर कोई अपडेट आई है तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है शटडाउन करने का।